आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश भर में सर्दी का कहर, दिल्ली में पारा 2 डिग्री तो भोपाल में 4.9 पर पहुंचा। कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट, सुरक्षा बलों ने मार गिराए 4 और आतंकवादी। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लेकर विवाद, मनमोहन के जीवन पर आधारित है फिल्म। किसानों के कर्ज माफी की शुरुआत छत्तीसगढ़ में, किसानों के खाते में पहुंचना शुरू हुआ पैसा। कमलनाथ ने कहा बीजेपी और बजरंग दल में एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं, और हमें सिखाते हैं देशभक्ति। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। देश में ठंड एक बार फिर से कहर बरपाने के लिए तैयार है। शीतलहर ने उत्तर भारत समेत कई राज्यों के लोगों को घरों में कैद होने के लिए मजबूर कर दिया है। राजधानी दिल्ली में भी पारा रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ठंड की प्रचंडता ने लोगों को बुरा हाल कर रखा है। उत्तर भारत में जारी रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी का असर राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। तापमान में लगातार दूसरे दिन भी गिरावट जारी रही। बैतूल प्रदेश में सबसे ठंडा रहा, यहां बीती रात न्यूनतम तापमान 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि खजुराहो में 3 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल में लगातार दूसरे दिन तापमान में गिरावट आई और ये 4.9 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल में 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया, इतना कम तापमान कभी नहीं रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को राजधानी दिल्ली में तापमान गिरकर 2.6 डिग्री तक आ गया, जो सीजन का सबसे कम तापमान रहा। मौसम विभाग पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर चुका था कि शनिवार को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री या उससे भी नीचे तक गिर सकता है। बता दें कि 28 दिसंबर 2014 को भी तापमान 2.6 डिग्री तक पहुंच गया था। मौसम विभाग के अनुसार 30 दिसंबर को भी दिल्ली का तापमान 2 से 3 डिग्री रह सकता है। मौसम विभाग का अनुमान सही हुआ तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। साल के अंत तक देश में ठंड का प्रकोप इसी तरह बना रहेगा। 3 जनवरी तक कपाती ठंड से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में शीतलहर और घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ाने वाला है। अगले आने वाले 48 घंटों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड के साथ साथ घना कोहरा तंग कर सकता है। कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस को यहां के हाजिन पाइन गांव में कुछ आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर शुक्रवार देर रात सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि जश्ने मोहम्मद के आतंकी एक घर में छिपे थे। जवानों ने उन्हें समर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में सभी आतंकी मारे गए। उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला है। यहां कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। इलाके में दूसरे दिन एहतियातन इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई। शुक्रवार को भी सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी इशफाक यूसुफ को ढेर कर दिया था। अभिनेता अनुपम खेर की फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर लॉन्च हो गया। इसमें अनुपम खेर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के कंटेंट पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताते हुए फिल्म से विवादास्पद कंटेंट और सीन हटाने की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर फिल्म के रिलीज रोकने की चेतावनी भी दी है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म में अनुपम खेर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म का निर्देशन विजय रत्नाकर गुट्टे ने किया है। फिल्म की कहानी राजनीतिक है। इस फिल्म में तत्कालीन राजनीति के कई चेहरे और उनका काम नजर आएगा। प्रधानमंत्री पद के लिए मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना है। आई मनमोहन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँ। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ये फिल्म आएगी, इस वजह से इसकी काफी चर्चा है।
दबी जुबान में यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पर हमले के लिए फिल्म का रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फिल्म में अनुपम खेर के अलावा अक्षय खन्ना भी अहम किरदार निभा रहे हैं। अक्षय ने संजय बारू का किरदार निभाया है। संजय पूर्व प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार रहे। उन्हीं की किताब पर फिल्म की कहानी आधारित है। इस फिल्म का ट्रेलर सामने आते ही कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। इसे लेकर कांग्रेस की ओर से फिल्म के निर्माता और निर्देशक को पत्र लिखा गया है। पत्र में मांग की गई है कि फिल्म का विवादास्पद कंटेंट और सीन हटाए जाएं। अगर ये विवादास्पद सीन और कंटेंट नहीं हटाए जाते तो फिल्म को रिलीज नहीं करने दिया जाएगा। फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल पर आधारित है। ट्रेलर के मुताबिक फिल्म में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कई राजनेताओं के किरदार भी दिखाए गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता सैयद जाफर ने फिल्म के निर्माता निर्देशक को पत्र लिखने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि उन्हें फिल्म के नाम, विवादास्पद दृश्यों और कंटेंट को हटाने की मांग की है। जाफर ने यह भी कहा है कि रिलीज से पहले पूरी फिल्म वो देखना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो कई प्रदेशों में फिल्म की रिलीज नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई। जिस बीजेपी और बजरंग दल में एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है और ये हमें देशभक्ति सिखाते हैं। कमलनाथ भोपाल में कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के निशाने पर बीजेपी और बजरंग दल रहे। भोपाल में कांग्रेस का 133वां स्थापना दिवस समारोह कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया। कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश को आजाद कराने में कांग्रेस का हाथ था। नाथ ने कहा कि देश में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वो कांग्रेस पार्टी के ही हैं। कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी और बजरंग दल में एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है और यह हमें देशभक्ति सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि देश अगर एक तिरंगे के नीचे खड़ा है तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। देश विभिन्न जातियों और धर्म के बावजूद देश एक साथ खड़ा है तो ये कांग्रेस की देन है और कांग्रेस का सपना भी यही था। 133 साल हो चुके जब से कांग्रेस की स्थापना हुई और 133 साल पहले हमारे जो नेता थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की उनका एक ही सपना था, एक आजाद भारत। अगर कांग्रेस की स्थापना नहीं होती तो क्या आज ये देश आजाद होगा, ये सोचने की बात है। और हमारे पूर्व नेता ने जिनकी कुर्बानी गई, जिनका संघर्ष रहा, जहां आज हम इस संविधान का संस्था तो देश को दे पाए, ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस कार्यालय में मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी और पीसी शर्मा भी मौजूद रहे। कमलनाथ ने स्थापना दिवस के मौके पर कहा कि कांग्रेस पुरानी पार्टी है, कांग्रेस ने बचत पत्र में दिए वादे पूरे करना शुरू कर दिए हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों से कर्ज माफी के बाद उनके खाते में पैसा वापस आया या नहीं ये पूछ रहे हैं, वहीं सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि ये सिर्फ अल्पकालीन कर्ज माफी है। जानकर बताते हैं किसानों की पूर्ण कर्ज माफी नहीं है। अपने कार्यालय में बैठे किसानों से फोन पर बात करते ये हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री बघेल ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वादे के मुताबिक शपथ ग्रहण के 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ करने की कार्रवाई शुरू की। 3,57,000 किसानों का पैसा सहकारी समितियों ने काट लिया था। मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर ऐसे सभी किसानों के खाते में कटौती की राशि वापस कर दी गई। ये राशि 1,248 करोड़ रुपए है जो किसानों के खाते में जमा हुई है। बघेल ने ऋण माफी पर कितना अमल हुआ ये जानने के लिए किसानों से मोबाइल पर बात कर हकीकत की जानकारी ली। छन्नूलाल जी, हाँ सर जी, नमस्ते सर जी। नमस्कार, मैं भूपेश बघेल बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋण माफी के हमन घोषणा कर रहे हैं, राहुल गांधी जी बोले रही से आपके यहाँ चारामा आए रिश्ता। हाँ सर। आज आपके खाता में कुछ पैसा पहुँची? हाँ जी सर, पहुँच गया सर। कतेक पैसा पहुँची? 2,16,000 सर। 2,16,000 रुपए आपके खाता में चल दी? हाँ जी सर। बहुत बहुत बधाई। बधाई सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और जिन ऋण माफी की बात कह रही थी कांग्रेस पार्टी, वो सरकार 10 दिन के भीतर में कर दी। तेकर बार आप लगा, इसीलिए तो हम अपने गांव से तो रेट भी दिलवाए सर। वाह, लोकसभा हम और आगे बढ़ाना है। जी सर, बिल्कुल सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। राहुल गांधी ने अपनी हर सभा में किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था। भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण बने कर्ज माफी के इस वादे को अब कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने अल्पकालीन कर्ज माफी का नाम दे दिया है।
यानी सिर्फ एक फसल के लिए लिया गया कर्जी माफ होना है, जो कि सहकारी समितियों से लिया गया है, न कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से। किसानों द्वारा भूमि सुधार, खेत की फेंसिंग कराने, छोटा मोटा घर बनाने, कृषि उपकरण आदि खरीदने के कर्ज माफ नहीं हो रहे हैं, जबकि किसानों की आत्महत्या के अधिकांश मामले इन्हीं बैंक कर्जों के कारण होते हैं। किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी का मसला कांग्रेस के लिए भविष्य में बड़ी मुसीबत बन सकता है। छतरपुर के हरपालपुर मंडी में अपनी फसल बेचने आए किसानों को ठंड के मौसम में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। फसल को बेचने आए किसानों को अपनी फसल की तौल के लिए दो दो दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है और इस दरमियान किसानों के लिए मंडी प्रबंधन ने कोई इंतजाम नहीं किए हैं। ये नजारा हरपालपुर कृषि उपज मंडी का है, जहां कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरता अन्नदाता शाम होते ही जहां भी आसरा मिला अपना आशियाना बनाकर रात गुजारने को मजबूर है। वहीं मंडी में मोटी लागत से किसानों के लिए विश्राम गृह बनवाए गए हैं, उस पर यहां ताला लगा रहता है। ये सिलसिला कई दिनों से जारी है और किसान ठिठुरने पर मजबूर है। यह समस्या ये है कि ठंड में परे किसान सब माल नहीं चल पा रहा और न कोई व्यवस्था है, तो न लाइट की, न कपड़ा लत्तन की, न कोई। यहाँ कैंटीन में खाना भी नहीं मिल रहा आप लोगों को? हाँ, कैंटीन में नहीं मिल रहा खाना। और किसी मंडी में जो विश्राम गए हैं किसानों के लिए, वहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा, कोई प्रबंध, कोई शब्द। मंडी में किसानों के साथ हो रही इस लापरवाही की हवा नई सरकार के उस दावे पर पलीता लगा रही है, जो किसानों की दुर्दशा सुधारने का दम भरती है। किसानों की इस हालत पर जिम्मेदार कई दिनों से चुप्पी साधे थे, लेकिन अचानक रात में तहसीलदार मंडी पहुंचे और उन्होंने मंडी के रेस्ट हाउस को खोलने के निर्देश देते हुए किसानों को टोकन बांटकर उनकी फसल खरीदने की बात कही। मैंने आते ही साथ मंडी सचिव को निर्देशित कर दिया है, तो जो विश्राम गृह है उनको खोल दे और सर जो भी किसान उसमें रुकना चाहे उनको व्यवस्था दे। और सर क्या निर्देश दिए गए किसानों के उसमें? किसानों को मैं निर्देशित किया है, उनको सोसाइटी के प्रबंधक को, कि इनको क्रमबद्ध तरीके से खड़ा करें ट्रैक्टर को और उनको टोकन बांटे। जाहिर है जहां लगातार बढ़ती ठंड में लोगों का रात में घर से निकलना मुश्किल है, वहीं अपनी फसल के अच्छे भाव मिलने की आस में अन्नदाता बद इंतजामी का शिकार हो रहा है। सरकार बदलने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह के बाद एमपी कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने कहा कि बीजेपी अब तक नेता प्रतिपक्षी तय नहीं कर सकी है। वहीं मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों को यूरिया उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है, जिसको लेकर बीजेपी ने नई सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। वहीं शोभा ओझा ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी खुद नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रही है। शोभा ओझा ने कहा कि बीजेपी के नेताओं में नेता प्रतिपक्ष बनने की होड़ लगी हुई है। अभी दो तीन दिन पहले ही मंत्रियों ने शपथ ली है, विभाग का वितरण भी हो जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी शोर मचा रही है देर को लेके, तो एक नेता प्रतिपक्ष तो भारतीय जनता पार्टी चुन नहीं पा रही है और आपस में लठ चल रहे हैं तमाम नेताओं में। शिवराज सिंह जी खुद बनना चाहते हैं तो वहाँ तोमर बनना चाहते हैं, तो वहाँ अनुप मिश्रा बनना चाहते हैं, सब आपस में लठ चला रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो मैं कहूंगी कि सरकार चलाने का दायित्व जनता ने हमें सौंपा है, हमें वो काम करने दीजिए, और विपक्ष का दायित्व बीजेपी को सौंपा है तो अच्छा होगा कि बीजेपी अपने विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभाए। रायसेन मामले पर मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि रायसेन में किसानों पर लाठीचार्ज सही नहीं है। यूरिया की मांग को लेकर रायसेन के किसानों ने आंदोलन किया था, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर हाल में यूरिया किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। अभी कमलनाथ जी ने ये भी आदेश दिए हैं कि यूरिया सब जगह पूरा किसानों को मिले और थोड़ी बहुत कमी जो पहले के सरकार थी उसके मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ है, और इस पे उन्होंने निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन का ये काम नहीं कि हर मामले लाठी और गोली चलाए, उस चीज़ को कानून व्यवस्था में उसको संभालना चाहिए और निश्चित तौर पर जो दोषी लोग होंगे उन पर कार्रवाई होगी, उनका ठीक है जो उन्हें जांच कर सकती है। छतरपुर अस्पताल गंदगी और डॉक्टर्स की लापरवाहियों का शिकार है। विधायक आलोक चतुर्वेदी ने अस्पताल का दौरा किया और वहां तमाम समस्याएं देख डॉक्टर्स को फटकार लगाई। छतरपुर के नए विधायक आलोक चतुर्वेदी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में अनेक खामियां और डॉक्टरों का मरीजों के प्रति लापरवाह रवैया भी विधायक चतुर्वेदी को देखने को मिला। विधायक ने जब मरीजों से बातचीत की तो सरकारी दावों की पोल खुलती नजर आई। अस्पताल से दवा तो दवा, डॉक्टर भी गायब मिले। यहां की व्यवस्थाओं से संबंधित जानकारी लेने के लिए आया था, काफी दिनों से सुन रहा था कि जिला अस्पताल में अव्यवस्थाएं हैं, और साथ ही आज के भास्कर और पत्रिका अखबार और अन्य अखबारों में मैंने पढ़ा कि कल एक अमानवीय घटना
यहाँ हुई जो दर्दनाक है और ये व्यवहार नहीं होना चाहिए। अस्पताल में देखा आमजन परेशान, डॉक्टरों के साथ चर्चा की, चर्चा में ये निर्णय हुआ है कि हम लोग सब लोग 1 बजे पूरे डॉक्टर्स के साथ स्टाफ के साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं और एक बार सबसे ये कहना रहेगा कि आप हमारा सहयोग करें, आमजन की मदद करें। ये चेतावनी भी साथ में देंगे कि दूसरी बार कार्रवाई होगी। हमें यहाँ की साफ सफाई से लेके आमजन को किसी तरह की कोई परेशानी ना रहे। विधायक आलोक चतुर्वेदी को अस्पताल से सिविल सर्जन आरपी पांडे सहित 1 दर्जन से अधिक डॉक्टर अनुपस्थित मिले। गंदगी और तमाम समस्याओं को लेकर आलोक चतुर्वेदी ने सीएमओ को लगाई फटकार। छत्तीसगढ़ के सबसे कद्दावर मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि जितने भी विकास के काम किए जाएं वो कम है। उन्होंने कहा विकास के लिए शहरों की तरह गांवों का भी मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में इधर मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हुआ तो उधर विभाग बंटवारे के बाद टीएस सिंहदेव अपनी कुल देवी की पूजा करने महामाया मंदिर पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मंत्री टीएस सिंहदेव ने मीडिया से कहा अब ग्रामीण विकास पर ध्यान देने की जरूरत है और शहरों की तरह गांवों में भी मास्टर प्लान बनना चाहिए। मेरे ख्याल से सुधार की प्रक्रिया कभी स्थायी नहीं हो सकती, स्थिर नहीं हो सकती और जितना भी करिए वो कम है। ग्रामीण विकास की बात है, प्रदेश का 76% से अधिक आबादी गाँव में रहती है और वहाँ के विकास को एक योजनाबद्ध तरीके से गति देना। हम लोग मास्टर प्लान की बात करते हैं शहरों के लिए, मेरे मन में ये विचार है और लोग भी इससे साझा और संपर्क में पहले भी आए होंगे कि हर गांव का एक व्यापक मास्टर प्लान होना चाहिए। हर गांव की संपूर्ण जानकारी आज के आईटी के युग में, कंप्यूटर के युग में उंगलियों पे उपलब्ध होना चाहिए और जब तक वो जानकारी नहीं है सही मायने में योजनाबद्ध तरीके से विकास संभव नहीं है। गौरतलब है कि सिंहदेव को पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा के साथ ही वाणिज्य कर मंत्री और योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी जैसे विभाग की अहम जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि कांग्रेस ने वचन पत्र में जो वादे किए हैं उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। बाला बच्चन बैरागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे थे। कांग्रेस के चर्चित नेता और कैबिनेट मंत्री बाला बच्चन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस सरकार वचन पत्र का हर वादा पूरा करेगी। उन्होंने कहा आम लोग और किसानों को कोई समस्या ना हो ये कांग्रेस सरकार की पहली प्राथमिकता है। जिम्मेदारी के साथ में महसूस तो अच्छा ही कर रहे हैं लेकिन एक मंत्री के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी भी है मध्य प्रदेश की जनता की सेवा के लिए काम करने के लिए, तो इस जिम्मेदारी को सेवा के रूप में हम लेते हैं और इस बात का हम प्रयास करेंगे कि जो मध्य प्रदेश की जनता की जो आवश्यकताएं और जरूरतें हैं उसके मुताबिक हम लोग आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर सकें और अब तक की जो जरूरतें रही है, मांगे रही है, आवश्यकताएं हैं मध्य प्रदेश की जनता में जो सभी क्षेत्र में, सभी एरियाज में और सभी समाजों को, जिसके लिए हम लोगों ने एक वचन पत्र तैयार किया है मैनिफेस्टो के रूप में, उसके मुताबिक हम लोग काम कर सकें ये हम लोगों की प्रायोरिटी रहेगी जिसका ठीक ढंग से हम लोग निर्माण करेंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में शानदार सरकार चलेगी और जो वचन पत्र में हमने जो बिंदु जो रखे हैं संत हिरदाराम नगर में कैबिनेट मंत्री बाला बच्चन का कांग्रेस नेता जगदीश असनानी के नेतृत्व में स्वागत किया गया। बाला बच्चन ने कहा अब हर कांग्रेस कार्यकर्ता की जवाबदारी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि संत नगर की समस्याओं का निराकरण भी शीघ्र किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।